किसी भी एक्टर के लिए या डबिंग आर्टिस्ट के लिए या वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए उसकी जो वॉइस है, उसकी जो आवाज़ है, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी आवाज़ पता नहीं अच्छी है कि नहीं है। आज के फिल्मी फंडे में मैं ये आपको सिखाऊंगा कि आपकी जैसी भी आवाज़ है उसको आप एक प्रोफेशनल वॉइस क्वालिटी में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो आज अपनी वॉइस को अच्छा करने के लिए, प्रोफेशनल करने के लिए देखिए फिल्मी फंडे। फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन films.com। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये काम का है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए, ये काम का है एक्टर्स के लिए, और ये बहुत ही काम का है डबिंग आर्टिस्ट के लिए। आपको याद होगा मैं बार बार कहता हूं कि आप लोगों को अगर एक्टिंग में आना है और एक्टिंग फील्ड में आगे जाना है तो डबिंग जरूर ट्राई करनी चाहिए। वजह साफ है कि डबिंग करने की वजह से आप जो है बहुत डिफरेंट करेक्टर्स को जब डब करते हैं तो आपके पॉजेज, आपके ऑब्जर्वेशन, डायलॉग को लेकर वो सब चेंज होते रहते हैं। तो एज एन एक्टर आपको बहुत हेल्प मिलती है। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये शक होता है या डाउट होता है कि उनकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कुछ लोगों को लगेगा कि यार जो सचिन तेंदुलकर की वॉइस क्वालिटी है वो एक एक्टर के लिए अच्छी नहीं है। कई लोगों को लगेगा कि उनकी जो वॉइस क्वालिटी है उसमें उनके करेक्टर वो बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बातें बिल्कुल ही गलत हैं। जैसे आप अपनी हाइट को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, हाँ हील पहन के थोड़ा सा अच्छे दिख सकते हैं, लंबे दिख सकते हैं। आप अपने लुक को, पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकते, जैसा आपको भगवान ने दिया वैसे ही रहेगा। लेकिन आप जिम जाके एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, पर्सनैलिटी को अच्छा दिखा सकते हैं। सेम अगर आपका फेस बहुत अच्छा, गुड लुकिंग नहीं है तो मेकअप से और स्टाइल से आप उसको थोड़ा सुधार सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपकी आवाज़ जैसी भी है उसको बहुत अच्छे से तराश कर प्रोफेशनल वॉइस बनाया जा सकता है। यही बात करेंगे आज के हम फिल्मी फंडे में। तो इसको आप आखिर तक देखें, इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझें, बातों को मेरी अच्छे से समझें, बार बार देखें अगर एक बार में समझ में आए, और साथ ही इसको प्रैक्टिस भी करें। हम अपनी क्लासेस में और DVD कोर्स में तो मैंने इसको बहुत डिटेल में रखा है ताकि आप लोग इसको सीख पाएं और रोज रेगुलर प्रैक्टिस कर पाएं। लेकिन आज ना मैं उसका पूरा डेमो दूंगा ताकि आप लोग घर में बैठे हुए उसको प्रैक्टिस कर पाएं। देखिए, जो वॉइस होती है, मैंने पहले भी कई बार बताया कि वॉइस हमारी हमेशा ब्रीदिंग से आती है। पहले आप बहुत क्लियरली समझ लें कि आवाज़ कहाँ से आती है। आवाज़ पैदा होती है कि जब हमारा ब्रीथ इन होता है पूरा, और जब वो बाहर आता है तो जो भी हम अपना एक टोन बनाते हैं उस तरह से वो एक वॉइस बन जाता है। इससे पहले भी हमने कई वीडियो रिलीज किए हैं वॉइस एक्सरसाइज पे। एक था वॉइस एक्सरसाइज फॉर एक्टर, उसको आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। दूसरा था ऑल अबाउट डबिंग एंड वॉइस ओवर करियर, तो उससे आपको पता चलेगा कि डबिंग में, वॉइस ओवर में कितनी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कितना अर्न कर सकते हैं। खैर, इस सब्जेक्ट पे वापस आते हैं कि अगर आपको अपनी वॉइस क्वालिटी को अच्छा करना है तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, हम सभी को ये लगता है कि अगर बेस वॉइस है तो वॉइस बहुत अच्छी है। मैं आपको ये बता दूं और आपको हैरानी होगी ये जानकर, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनकी जो ओरिजिनल वॉइस है उसमें बेस नहीं है, लेकिन वो उन्होंने उसको इस तरह से पॉलिश किया है, तराशा है कि जब वो डायलॉग बोलते हैं तो बहुत अच्छे बेस के साथ बोलते हैं। आमिर खान की बेस वॉइस नहीं है, ऐसे ही अजय देवगन की बेस वॉइस नहीं है, लेकिन जब वो डायलॉग बोलते हैं तो उसमें इतनी डेप्थ रखते हैं, अपनी वॉइस क्वालिटी को ऐसा रखते हैं कि वो डायलॉग बहुत अच्छा निकल के आता है। ओरिजिनल बेस वॉइस जो है वो अमिताभ बच्चन की है, अमरीश पुरी जी की है, इन लोगों की ओरिजिनल बेस वॉइस है। शाहरुख खान की भी आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेस नहीं है, लेकिन वो इतने अच्छे से डायलॉग को फॉर्म करके बोलते हैं कि आपको वॉइस में उनकी डेप्थ नज़र आती है। और इसको करना किसी के लिए भी बहुत आसान है। इसको हम समझते हैं इस बात से कि वॉइस जो होती है वो एक पूरी ब्रीथिंग के साथ बाहर आती है। तो अलग अलग जगह से अगर हम वॉइस को फॉर्म करेंगे या कहेंगे कि उसका ओरिजिन बदल देंगे तो वॉइस क्वालिटी बदल जाएगी। जैसे अगर हम बिल्कुल लो बेस से, सिंगर्स भी करते हैं ना, लो बेस से बोलेंगे तो आवाज़ यहाँ नाभि के आसपास से आएगी, तो उसका बेस जो रहेगा बिल्कुल अलग रहेगा। जैसे मैं कहूँगा कि और बताइए आप कैसे हैं, तो ये वॉइस यहाँ सारी, और बताइए आप कैसे हैं, बेस में ही देखिए अलग अलग फर्क आ रहा है। ये आप प्रैक्टिस करिए साथ साथ में तो आपको समझ में आएगा कि आप भी अपनी वॉइस के साथ बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। और बताइए कैसे हैं, और बताइए कैसे हैं, पहले बार में थ्रो नहीं था, सेकंड बार में थ्रो था, पहली बार में हल्का सा है, और बताइए कैसे हैं, ये एक अलग तरह का बेस है, और बताइए कैसे हैं, इसमें मैंने थ्रो मिक्स किया। जैसे ही मैंने थ्रो मिक्स किया वॉइस शार्प हो गई और अलग लगने लगी। तो इसका फायदा आपको क्या क्या हो सकता है? इसका फायदा आपको ये हो सकता है कि अगर आप डबिंग कर रहे हैं तो जिस तरह की पर्सनैलिटी है उस पर्सनैलिटी में कैसी आवाज़ सूट होगी,
अगर लगता है आपको कि सचिन तेंदुलकर जैसी बारीक वॉइस अच्छी लगेगी तो आप बोल सकते हैं, और आप बताएं कैसे, और आप बताएं कैसे, आप कहीं तक भी जाके अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप एज एन एक्टर कोई करेक्टर प्ले कर रहे होंगे तो आप वॉइस के साथ प्ले कर पाएंगे, आप डबिंग आर्टिस्ट के तौर पे होंगे तो आप प्ले कर पाएंगे, और आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल स्मार्ट एक्टर या वॉइस एक्टर माना जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करके देखते हैं। एक मैं लाइन लेता हूँ, उसको मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसका बेस कट करके, बेस बढ़ा के, या वॉइस का मॉड्यूलेशन चेंज करके, या कई बार उसके पॉजेस बदल के भी करेक्टर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है हम ये बात नहीं करेंगे कि किस इमोशन और एक्सप्रेशन की लाइन है, हम बिल्कुल नॉर्मल लाइन लेंगे, उसको नॉर्मल तरीके से बोलेंगे। इसको आप बिल्कुल इस तरह से भी नहीं देखेंगे कि कितने एक्टिंग के परफेक्शन के साथ मैं कर रहा हूँ। इस एक्सरसाइज का बहुत क्लियरली पर्पस ये है कि आप अपनी आवाज़ के साथ अलग अलग तरह से प्रैक्टिस करें रेगुलर वे में, ताकि आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो पाए। तो एक डायलॉग लेते हैं कि हर नई मंजिल मन में डर और घबराहट पैदा करती है, सफर लंबा हो या छोटा, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है। मंजिल और पहले कदम का जो ये फासला है वो हौसले से तय होता है। मुझे लगता है डायलॉग आपको अच्छा लगा होगा। अब देखें कि इस डायलॉग के साथ ही हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहां पे अगेन मैं बता दूं, हमें इमोशन एक्सप्रेशन को अभी नहीं लाना है, हमें ये देखना है कि हमारी वॉइस क्वालिटी को हम कितना चेंज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम कोशिश करते हैं बिल्कुल लो वाला, एकदम जो स्टाइल होता है एकदम डल वॉइस वाली बात कह सकते हैं। तो उसमें हो सकता है कि इसमें आपको करना क्या है कि एक अच्छी सी ब्रीथ लेके, डीप ब्रीथ लेके उसको छोड़ते हुए अपनी वॉइस को डायलॉग फॉर्म में छोड़ें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो वॉइस क्वालिटी एकदम से चेंज हो रही है, और वो जो एग्जॉस्ट करना है ब्रीथिंग को वो साथ में करते चले जा रहा है। तो इसको इस तरह से करेंगे, हर नई मंजिल मन में डर और घबराहट पैदा करती है, लेकिन हर सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है, और ये जो मंजिल और पहले कदम का सफर है ना, ये हौसले से तय होता है। अब देखिए जो वॉइस क्वालिटी है बिल्कुल अलग निकली। अब क्योंकि आप मेरी पर्सनालिटी को जानते हैं, मेरी आवाज़ को काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं और साथ में मुझे देख रहे हैं, तो आप मैच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी जजमेंट वाली बात मत लाइए। आप ये देखिए जो नई वॉइस बनी है ये किसी करेक्टर के साथ मैच हो सकती है, जो कभी मैं प्ले करूँ या कभी मैं डबिंग करूँ तो उसके साथ मैच हो सकती है। अब अगर मैं इसके पॉजेज इसी सेम टोन में बदल दूँ तो और थोड़ी सी बात बदल जाएगी। हर नई मंजिल मन में डर और घबराहट पैदा करती है, लेकिन शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है, और ये जो मंजिल और पहले कदम का सफर है ये हौसलों से तय होता है। आप देखें यहां पे मैंने पॉजेस कम लिए लेकिन वॉइस क्वालिटी वही मेंटेन की। तो आपकी जो बॉडी और ये जो वॉइस है ना, कमाल का है। आप इसके साथ जितना प्ले करेंगे आपको उतना मजा आना शुरू हो जाएगा। अब हम कोशिश करते हैं इसको एक थोड़ा सा हैवी बेस के साथ अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। ओके, हर नई मंजिल मन में खौफ और घबराहट पैदा करती है, सफर चाहे लंबा हो या छोटा, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है, और मंजिल और पहले कदम का जो सफर है वो हौसले से तय होता है। इसमें मैंने अपने करीब गले के यहां से वॉइस को यूज किया और हैवी बेस बना के कोशिश की। तो इसको आप कह सकते हैं एक बार जैसे अमिताभ बच्चन ने यूज किया था अग्निपथ पे, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि अमिताभ की आवाज को लोग जानते हैं पहचानते हैं, तो उन्हें वापस ओरिजिनल वॉइस में आना पड़ा। तो एक ये तरीका हो सकता है। एक हो सकता है कि आप शार्प बेस बना के कोशिश करें। तो इसके लिए आपको हमेशा जब बोलना होगा तो आपको गले और टंग के बीच में से अगर वॉइस आप पैदा करेंगे तो बहुत आसानी से बोल पाएंगे, आपका थ्रो बहुत अच्छा जाएगा। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, हर नई मंजिल मन में खौफ और घबराहट पैदा करती है, लेकिन सफर लंबा हो या छोटा, शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है, और ये जो मंजिल और पहले कदम का सफर है ये हौसले से तय होता है। ये थ्रो वाला शार्प बेस है। अब देखिए इसी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए अगर हम सिर्फ पॉजेस बदल देंगे, स्पीड बदल देंगे, तो एकदम करेक्टर चेंज हो जाएगा। आप लोग भी इस तरह से रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इस बार ट्राई करते हैं, हर नई मंजिल मन में खौफ और डर पैदा करती है,
सफर की शुरुआत लेकिन हमेशा पहले कदम से होती है, और ये जो सफर और मंजिल के बीच का रास्ता है ये हमेशा हौसले से तय होता है। देखिए, हर बार चेंज करने से कभी अथॉरिटी लगेगी, कभी कुछ और चेंज हो जाएगा, तो पता नहीं आपको कब कौन सा कैसा करेक्टर मिले, पता नहीं कब कौन सा करेक्टर की आपको डबिंग करनी पड़े। आप अपनी आवाज को जितना तैयार रखेंगे, जितना प्रिपेयर रखेंगे, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंटली ऑन कैमरा या ऑन डबिंग काम कर पाएंगे, और लोग कहेंगे कि वाकई आप एक वर्सटाइल एक्टर हैं, या वर्सटाइल आपकी वॉइस है, आप चेंज कर लेते हैं। लोग उसी आर्टिस्ट को पसंद करते हैं जो जितना वर्सटाइल होता है, जो जितना इम्प्रोवाइज कर सकता है। तो मेरी कोशिश जॉइंट फिल्म्स के माध्यम से हमेशा से यही है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊं, ऐसी चीज़ें सिखाऊं जिससे एज एन एक्टर, एज ए प्रोफेशनल आप इम्प्रूव कर सकें। अब इसी डायलॉग को हम तीनों वेरिएशन में बोल के देखते हैं, ठीक है? मतलब डायलॉग वही रहेगा, मैं अलग अलग लाइन को बोलूंगा, तो आप देखेंगे कि आप एक ही पैटर्न में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की रेगुलर प्रैक्टिस से आपका वॉइस के ऊपर एक बहुत ही अच्छा कमांड आ जाएगा। हर नई मंजिल मन में खौफ और डर पैदा करती है। सफर छोटा हो या बड़ा, हमेशा शुरुआत पहले कदम से होती है, और ये जो मंजिल और पहले कदम का बीच का फासला है वो हौसले से तय होता है। तो जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप एक एक लाइन में भी अपनी वॉइस की क्वालिटी को चेंज कर पाएंगे, और यही मेरा प्रयास है, यही कोशिश है कि आप लोग एज एन एक्टर पहले बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, सीख जाएं, और फिर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएं। आप फिल्म्स के जिन भी कलाकारों को जानते हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ के साथ बहुत अच्छा काम किया। आप याद कीजिए परेश रावल की हेरा फेरी, उन्होंने अपने डायलॉग डिलीवरी को बिल्कुल चेंज कर दिया था, इसलिए वो करेक्टर इतना यादगार बन गया। भीकू बात्रे में मनोज वाजपेयी ने ऐसा किया, अनुपम खेर बहुत अच्छे से चेंज कर लेते हैं, नाना पाटेकर बहुत अच्छे से चेंज कर लेते हैं। ये सब लोग अपनी वॉइस के स्टाइल को, पैटर्न को हमेशा बदलते रहते हैं, तभी वो हर रोल में एकदम फिट दिखते हैं। तो आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आप भी एक सफल एक्टर बनिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपको एक्टर बनना है तो सीखना तो पड़ेगा, खुद के ऊपर समय देना पड़ेगा, ये इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आप रियली एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकते हैं। तो डबिंग पे, वॉइस ओवर पे या फिर एक्टिंग पे इस तरह के वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।